नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमीरपुर पुलिस को 24 घंटों में मिली बड़ी कामयाबी। दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने परीक्षा मोड़ के पास किया मुठभेड़। मोधा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने मौके से आला कत्ल और देसी तमंचा बरामद किया है। दबंग आरोपी ने युवक के सीने में किए थे चाकू से कई वार। लहूलुहान हालत में परिजनों ने अस्पताल में कराया था भर्ती। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। मोधा इलाके के हुसैनिया मोहल्ले का मामला। दिनांक 17 फरवरी 2024 को थाना मौदहा के हुसैनिया मोहल्ला निवासी प्रशांत कुमार वर्मा उर्फ आकाश की पैसों के लेन देन को लेकर के एजाज अहमद उर्फ इज्जू द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना मौदहा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 17 फरवरी 2024 की रात करीब 11:30 बजे मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब थाना मौदहा की पुलिस टीम द्वारा कस्बा मौदहा के कप्सा रोड के पास अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू की घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर अवैध तमंचे से फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात गोली चलाए जाने पर अभियुक्त के दाहिने घुटने के नीचे गोली लगी है। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से आला कतल चाकू की भी बरामदगी की गई है। उचित उपचार के लिए अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू को जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मौदहा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।